हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे आपको स्ट्रॉबेरी वाला खेती और पूछेंगे भी किस तरह बनता है, कुछ कैसे इसका होता है। वो एक आदमी है उधर, तो चलिए दवा छिड़क रहे हैं। दिखाएं, ये देखिए आप, पूरा ये खेती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बगल में केले खेती है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, ये तैयार है, इस तरह का है, इस तरह का है। देखिए ये देखिए, इसको पन्नी से कवर किया गया है, नाली बनाकर, क्योंकि ठंडी के टाइम में इन्वायरमेंट मेंटेन रखें, इसलिए है। देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लाल लाल कहीं ना कहीं। देखिए, ये हम आए हैं दुमही गांव में, जो आप दुधही रोड से कटेंगे, नहर के बगल से रास्ता है, ये इधर ही है। ये काफ़ी अच्छा, जिस तरह आप लोग देखते हैं उस तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये है लाल, ये देखिए कितना अच्छा इधर है। अभी ये छोटा है, बड़ा होगा तो और आपको दिखाई देगा। देखिए इधर देखिए, हाँ एक बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है। और ये देखिए, उसमें है भैया। चलिए पूछते हैं कब बोया जाता है, कैसे होता है, कितने दिन टाइम लेता है, उनसे बात करते हैं और देखते हैं। देखिए आपको फल, अभी दवा मारा गया है, देखिए नीचे दिख रहा है आप, है कुछ इस तरह का। ये हमारे तरफ नया है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग दिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए ऐसा। देखिए घंटी भी बोल रहा है। हाँ भैया, भैया नमस्कार, ये बताइए या किस चीज़ का खेती है? स्ट्रॉबेरी खेती है। स्ट्रॉबेरी का, कब बोया जाता है इसको? सितंबर में बोया जाता है। कितने दिन तक रहता है ये? मार्च तक रहता है। मार्च तक। और इसका बिक्री होता है बढ़िया से यहाँ पे? अच्छा, गोरखपुर जाना पड़ता है। कै रुपये चलता है, पीस चलता है, केजी पे चलता है? केजी पे चलता है, इस समय 400। 400 रुपये केजी है वहाँ ले जाकर? अच्छा, तो ये बताइए इसको कैसे बोया जाता है, किस तरह का इसका प्रोसीजर है, बोने का तरीका क्या है, कुछ बताएंगे? पहले इसमें खेत में मवेशी खाद डाला जाता है, गोबर का। जी जी, मवेशी खाद। उसके बाद से इसको बढ़िया से जुताई किया जाता है। जी जी। उसके बाद से बेड बनवाया जाता है। बेड बनाने का, बेड मतलब बेड, ये नाली नाली, हाँ नाली, नाली नुमा जैसे। हाँ, उसके बाद से इस पे लेटरल पाइप बिछाया जाता है। हाँ, बूंद बूंद पानी गिरता है। अच्छा, लेटरल पाइप। हाँ, जो हाँ पानी को बूंद बूंद करके गिराता है वो बताए। पौधा लगाया जाता है, इसका बीज आता है कि पौधा आता है? पौधा आता है। हाँ, पौधा कितने का पड़ता है, कहाँ से लाना पड़ता है आपको? कै रुपये पीस पड़ता है भैया वहाँ पे? एक पीस। अच्छा अच्छा, देखिए ये जितना भी लाते हैं उसका 30% खराब हो जाता है, ये कहने का मतलब, और 70% ही बचता है। आपका क्या नाम है भैया? हीरालाल कुमार। जी सर, तो ये आपका ये कहाँ से मतलब सोच आया कि ये करें, हम कहाँ से देखें? जैसे हमारे गांव में बहुत लोग किए हैं खेती। जी जी, पहले से पता है। जी जी, अच्छा, ये अपने गाँव को लोग देख कर ये कर रहे हैं, और देख कर और लोग यहाँ देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे कि जो व्यापार हो रहा है तो आगे थोड़ा सा उन्नति होगा अपने तरफ भी। ठीक है, धन्यवाद भैया। आपको पूरा हम दिखाएं, स्ट्रॉबेरी का प्रोसीजर भी बताएं उनसे, भैया जो है इसमें पूरा कब बोया जाता है, कहाँ से आता है, कितने रुपए केजी है, और कितना दूर से लेके आते हैं बीज, ये सब दिखाएं। स्ट्रॉबेरी वाला आपको आज दिखाएं, और ये देखिए आपको फल दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए एक तरीका, एक देखिए इसमें अपने आप घंटी बज रहा है। घंटी बजने का ये है कि पक्षी उच्छी आएगी कोई तो नहीं चुएगी। देखिए देखिए, आवाज़ सुन रहे हैं आप? ये काफ़ी देखिए टेक्निक लगा हुआ है, जो कि
आवाज़ हो रहा है, जो पक्षी उच्छी आएंगे कीड़े मकोड़े तो नहीं आएंगे। ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए कितना ज़्यादा है, एक पार्ट उधर दिखा एक पार्ट इधर है। अभी हीरालाल कनौजिया ने बताएं आपको पूरा स्ट्रॉबेरी का खेती, जो आपको देखे भी, ये देखिए नेचुरल वेल है, मिनरल घंटी है, अपने आप बज रहा है जिसे। धन्यवाद, मेरा आज का ब्लॉग स्ट्रॉबेरी वाला था। प्लीज़ दूर दूर जाकर हम लोग ये वीडियो आप लोग ले आ रहे हैं, सपोर्ट करिए और लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए, धन्यवाद। ये मार्केटिंग है ना, देख रहे हैं ना, इसमें कोई जानवर भी नहीं आ सकता।